हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक होता है उसमें जो काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग पहले क्या होता है दोस्तों, आपका रिजल्ट आता है जब आंसर की आ जाती है। आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में दोस्तों आपको क्या क्या रहता है तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तो रिजल्ट में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत रहती है, और एक तो आपके मार्क्स रहते हैं और दूसरा आप उसमें रैंक लिखी रहती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि मार्क्स और रैंक में क्या अंतर होता है, वहाँ पर किस प्रकार से काउंसलिंग में यानी फिर गवर्नमेंट कॉलेज पाने में या फिर अच्छी ब्रांच पाने में वो किस प्रकार से हेल्प करते हैं। मार्क्स और आपकी रैंक, कितनी रैंक और कितने नंबर होते हैं जब आपकी काउंसलिंग आपको करवानी होती है और आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में ये भी कवर करूँगा कि दोस्तों आपने कैटेगरी रैंक भी सुनी होगी दोस्तों, वो क्या होती है। तो सब कुछ कंप्लीट इसी वीडियो में दोस्तों मैं बताऊँगा। सो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा आप अच्छी तरीके से देखेंगे। दोस्तों आपने जब अपना आंसर की चेक कर लिया होगा दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल उत्तर प्रदेश दोस्तों इस तरीके की आपकी वेबसाइट आपको दिखेगी, और यहाँ पर देख लीजिए व्यूज रिजल्ट आपका ये इस प्रकार का दोस्तों रिजल्ट दिखेगा। साफ साफ देख लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार का रिजल्ट आपको दिखेगा। ये 2021 का दिखाना, 2022 का दोस्तों अभी दिखेगा, यानी कि 2022 में आपका इसी तरीके का रिजल्ट दिखेगा। उसमें क्या क्या रहेगा तो सबसे पहले एक चीज़ें देख लीजिए उसमें क्या क्या रहेगा। तो उसमें तो सबसे पहला आपका अप्लीकेशन नंबर रहेगा, उसके बाद आपका ग्रुप उसमें लिखा होगा। इस बार क्या हुआ है दोस्तों कि अगर आपने दो से अधिक ग्रुपों में अप्लाई किया है दोस्तों, उसका क्या होगा कि उसका अलग अलग तरीके से रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ग्रुप ए का कर दिया, फिर ग्रुप बी का रिजल्ट अलग रहेगा, ग्रुप मतलब हर एक ग्रुप का अलग अलग रिजल्ट रहेगा, इस चीज़ का आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके कैंडिडेट यानी आपका नाम रहेगा। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है दोस्तों, यहाँ पर जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है सब कुछ यहाँ पर। इसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोस्तों, रॉ स्कोर और रॉ स्कोर, ठीक है ना। तो दोस्तों जो आंसर की में आप नंबर निकालते हैं उन्हें दोस्तों रॉ मार्क्स बोलते हैं। आंसर की से क्वेश्चन के हिसाब से किस प्रकार से कितने नंबर आएंगे तो वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत और सही, उस हिसाब से आप नंबर किस प्रकार से निकालेंगे वो मैंने ऑलरेडी से वीडियो अपलोड कर रखा है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लेना, चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी से। इसके बाद यहाँ पर आपका दिखाएगा कि स्टेट आप डोमिसाइल यानी कि जो आपने सिंपल सी फॉर्म मतलब में फॉर्म में जो चीज़ें भरी होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद देख लीजिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर, फिर आपका दिखाएगा रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा, ठीक है ना, रोल नंबर दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा। इसके बाद आपके पेरेंट्स का नेम यहाँ पर दिखाएगा, कृष्ण कुमार मिश्रा या फिर यानी कि आपके फादर और मदर यानी कि एक तरफ मम्मी का नाम और पापा दोनों का नेम यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर जेंडर दिखाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों, ये है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस चीज़ में आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक तो देख लीजिए ओपन रैंक कितनी है, 2295, कितनी है दोस्तों 2295। और यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर कितना है दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर आप देख सकते हैं दोस्तों वो है 270 नंबर, यानी कि 270 नंबर पे कितनी रैंक बनी है, 2295 ओपन रैंक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये भी दिया होगा कि दोस्तों अगर आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा होगा। अगर आप जो एक्सपेक्टेड जो नंबर रहते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है, अगर उससे आप नीचे नंबर हैं यानी कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड लिखा होगा, लेकिन वो लोग भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन पा पाएंगे। लेकिन कैसे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो दूंगा, ये सेपरेट लाइन है। जिन लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा है प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, सर नहीं मुझे बताइए मैंने एग्जाम नहीं दिया, किस प्रकार से मुझे पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ तो बात करते हैं दोस्तों, तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा और यहाँ पर आपकी ओपन रैंक रहेगी दोस्तों। 2021 के पहले दोस्तों क्या होता था कि आपके कैटेगरी रैंक रहती थी, कैटेगरी रैंक का मतलब होता था, और दूसरी रहती थी ओपन रैंक। कैटेगरी रैंक का मतलब ये रहता था कि जैसे अगर आप जनरल से हैं तो जनरल के स्टूडेंट में आपकी कितनी रैंक है, और ओपन रैंक का मतलब होता था सभी जितने जीकप में यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम जितने बच्चों ने दिया है उन बच्चों में आपकी कितनी रैंक रहती है। तो दो प्रकार से रैंक रहती थी, लेकिन 2021 से नियम चेंज हो गए हैं दोस्तों। अब केवल आपकी एक ही रैंक दिखाता है जिसे बोलते हैं ओपन रैंक। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स यानी कि जितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी को मिला करके जो रैंक बनती है उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं ओपन रैंक, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात, अब यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों यहाँ ये नहीं रहता है कि हो सकता है कि 2070 में 2020 की बात करें सॉरी 270 नंबर थे तो हो सकता है इतनी रैंक हो, या फिर अगर 2021 में इतनी और 2022 में भी इतनी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सीटें रहती हैं उस प्रकार से रैंक ऊपर नीचे होती रहती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जितनी आपकी रैंक कम नंबरों की होगी उतना ही ज़्यादा आपका बेटर है, उतना ही ज़्यादा आपको कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। और नंबर आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे,
ठीक है, उतना ही आपको अच्छा चांस रहता है गवर्नमेंट कॉलेज या फिर बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच आपको पाने। तो कैटेगरी रैंक क्या होती है ये भी मैंने बता दिया, आप लोग कन्फ्यूज मत होना, आप केवल एक ही रैंक दिखाता है, वो दिखाता है दोस्तों कौन सी, वो दिखाता है आप सीधे ओपन रैंक, आप कैटेगरी रैंक। अब आज आपके रिजल्ट में जो 2022 में जो आप देखेंगे उसमें आपका कैटेगरी रैंक नहीं होगी, आपकी केवल ओपन रैंक दिखाएगी। ओपन रैंक का मतलब होता है कि सभी बच्चे जितने यूपी पॉलिटेक्निक में एग्जाम दिए उसमें से आपका कौन सा स्थान है, जितना कम से कम ये नंबर रहेगा ओपन रैंक उतना ही आपके लिए बेटर होता है, उतना ही आपका ज़्यादा चांस रहता है गवर्नमेंट कॉलेज पाने। तो यह रहा आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है रिजल्ट किस तरीके से रिजल्ट आया, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें दी रहती हैं। तो ये रहा, अब फर्दर काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हर एक पॉइंट वाइज काउंसलिंग से रिलेटेड आपके काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक की हमारी सारी जिम्मेदारी होगी प्रॉपर अपडेट आपको देते रहने की। दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो आप मुझे मेल इंस्टा या फिर कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।